हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव कुमार्स। तो आज का वीडियो मेरे रोज के वीडियो से थोड़ा अलग है। मैं अभी एक ऐसी टिप लेके आई हूँ, ये देखिए, ये एक सलवार है, नीचे से बिल्कुल फटी हुई है सलवार, बाकी के पोर्शन बिल्कुल प्रॉपर और कलर भी अच्छी है, पर नीचे से फट गई है। और ऐसा सबके साथ होता है, चाहे आप वो रेडीमेड सलवार खरीदें या फिर आप स्टिच भी करा के रखें, ये सलवार नीचे से ही फटती है और बाकी की चीजें सलवार में बिल्कुल परफेक्ट रहती है, उसका कपड़ा भी अच्छा रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक इजी टिप बताऊंगी, बहुत ही इजी है, पर उससे पहले मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा अपने दोस्तों से भी कहें अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो, और बेल का आइकन प्रेस करना कभी भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये देखिए, ये सलवार नीचे से फटने का केवल एक ही रीजन होता है, और वो रीजन क्या है वो मैं आपको जल्द ही बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं सलवार का कपड़ा इतना अच्छा होता है कि वो प्रॉपर और कलर भी उसका अच्छा रहता, केवल हमारे नीचे के पोर्शन में ये फट जाता है। यस, लेट्स गो, देखते हैं इसका रीजन क्या होता है। सो द मेन रीजन, जो इसका सबसे मेन एंड मेजर रीजन है, जब भी आप सलवार के साथ वॉक करते हैं या चलते हैं, ये देखिए, अगर वो सलवार आपके पैरों के नीचे आ रहा है या चप्पल के नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली वो फटेगा ही फटेगा। इसका मतलब ये रेडीमेड हो या फिर आपने स्टिच करवाया हो, इसकी फिटिंग आपके लिए प्रॉपर नहीं है। और इसको हम कैसे फिट करें या इसके लिए हम क्या उपाय करें, इसके लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, मैं आपको ओल्ड सलवार अपने दिखा रही हूँ, बहुत भी ज्यादा ओल्ड नहीं है। इसका कलर और सलवार की क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पर सबसे बड़ी मुश्किल मेरी ये है कि मैं इसे अब नहीं पहन सकती, क्योंकि ये नीचे के पोर्शन में आप देख सकते हैं किस तरह से घिस के फट गया है, और नीचे के ही पोर्शन का कपड़ा बिल्कुल वीक हो चुका है और ऊपर का कपड़ा बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग और एकदम मजबूत है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ही, मैक्सिमम सलवार्स में आपके मिलेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये मैंने एक न्यू सलवार लिया है, ऑलरेडी मैंने इसे स्टिच कराया है, टेलर को मैंने प्रॉपर अपनी नाप भी दी थी, फिर भी ये सलवार मेरे पैरों के नीचे आ रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, ये मैंने सलवार पहना है, पर आप देख सकते हैं इसकी म्यानी कितनी एक्स्ट्रा है, इसकी मोरी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा है, और ये आराम से जब भी मैं खड़ी होती हूँ या वॉक करती हूँ, ये मेरे पाँव के नीचे आता है, चप्पल के नीचे रहता है, इसकी वजह से ही ये पोर्शन घिस जाता है। और अगर ये पोर्शन घिस गया तो डेफिनेटली सलवार आपका पहनने के लायक नहीं रह जाएगा, चाहे आप इसे कितनी भी कॉस्टली बनवाएं। तो आप चाहे कॉस्टली से कॉस्टली सलवार खरीदें, रेडीमेड खरीदें, ये अगर नीचे से घिस गया तो वो कोई यूज़ का नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक एकदम ही सिंपल टिप बताने वाली हूँ कि आप क्या करें। तो ये देखिए, मैंने अंदाज से यहाँ पे कि पाँव के नीचे मेरी सलवार ना जाए, वहाँ पे मैं मेज़र करके सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। ये देखिए, एक बार मैं चेक भी कर ले रही हूँ कि ये प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ मैंने इतनी दूरी पर सेफ्टी पिन लगाया है कि वो पाँव के नीचे आसानी से ना जाए और आराम से खोलने में भी हमें प्रॉब्लम ना हो। तो एक पोर्शन वो आपको डिसाइड करना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सेफ्टी पिन लगाया हुआ है। अब मैं इस सलवार को सबसे पहले सेफ्टी पिन वाली जगह के अंदर की तरफ से स्टिचिंग की तैयारी करूंगी। हमें इसमें स्टिच करना है, इसीलिए कुछ भी फाइन स्टिच होने के लिए हमें बाहर से नहीं, उसे अंदर से करना है। और स्टिचिंग से आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मेजर स्टिचिंग हमें नहीं करना है। मैं आपको इजी टिप्स बताने का वादा कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं इजी से इजी टिप्स ही बताऊंगी। मैचिंग कलर के तौर पे मैंने यहाँ पे ले लिया है रेड कलर का थ्रेड, और ये देखिए, इस थ्रेड को मैंने नॉट लगा दिया है और हमारी मेजरमेंट ऑलरेडी डन है। आप देख सकते हैं जहाँ सेफ्टी पिन है, मैं उसे इनसाइड से
स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो पजामे को उल्टा भी कर सकते हैं और आराम से उल्टा करके उस पोर्शन पे आप स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, हमें मुझे इतनी ही म्यानी चाहिए जिससे कि वो पाँव के नीचे नहीं आए। और स्टिचिंग का जो तरीका है, मैं आपको डिटेल में जब मैं दूसरे पाँव के पजामे को टाइट करके दिखाऊंगी आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नॉट हमें लगाना है, ये इंटरलॉकिंग स्टिच से हम कहते हैं। ये जनरली हम दुपट्टे के कॉर्नर्स को मोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही ईजी स्टिच है ये, कोई भी जिसे नहीं भी आती हो स्टिचिंग, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है, मैंने सीधा करके ही किया है क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। पर मैं आपको दूसरे साइड को एक प्रॉपर वे में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं पजामे को उल्टा कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने पजामे का उल्टा पोर्शन लिया है और मैं अब दोबारा से इसे मेजर नहीं करने वाली कि मुझे कितना चाहिए स्टिच करने के लिए। मैं दूसरी साइड को ही लेके रखी हूँ। ये देखिए, मुझे कितना नाप चाहिए स्टिच करने के लिए, इससे ही मुझे पता चल जा रहा है। और यहाँ पे हम सिर्फ एजेस यानी कि कॉर्नर को ही हमें स्टिच करना है। और ये देखिए, नॉट हमें कैसे लगानी है। हम थ्रेड को अंदर डाल रहे हैं और कुछ इस तरह से मैं एक साइड में नॉट के वे में रख रही हूँ जिससे कि वो आराम से गांठ लग के ही निकले। ये एक बहुत ही इजी और पुराना स्टाइल है, बट आप जानते हैं ना, जैसा कि ओल्ड इज गोल्ड, तो वो हमेशा ही काम देगा। डेफिनेटली इट इज अ गोल्ड। तो अब मैं पजामे को आपको सीधा करके दिखाती हूँ और मैं इसे पाँव में भी डाल के दिखाऊंगी कि पहले वो कितनी ही अनकंफर्टेबल हो रहा था और पाँव के नीचे आ रहा था, जबकि मैंने ये स्टिच कराया है दर्जी से। और रेडीमेड की तो आप बात ही मत करिए। ये देखिए, कितनी आसानी से ये पाँव के अंदर भी आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक जगह पे वो हल्का सा अटक भी रहा है जिससे कि पाँव के नीचे नहीं जाएगा। आपको खोलने में भी इजी होगी और बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इतना इजी ट्रिक है। आप कॉर्नर भी एकदम फाइन वर्क दिख रहा है। आप पहन के देखिए, डांस करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक ज़रूर आजमाइए और मेरे साथ मेरे चैनल पर हमेशा। हे फ्रेंड्स, नमस्कार। ये हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन पार्ट है हमारे लास्ट वीडियो का। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप प्लीज ना भूलें और साथ में बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, कंटिन्यूएशन पार्ट है, तो आपको यहाँ पे रेडीमेड सलवार को आप कैसे फिटिंग करेंगे एक पार्ट में मैंने बताया है, मगर यहाँ मैंने कुछ और टिप्स बताऊंगी मैं आपको, और साथ में इसमें नाड़ा कैसे डालें सलवार में वो भी अच्छे से बताऊंगी। कभी कभी रेडीमेड सलवार हमने नीचे से तो फिट कर ही दिया है, अब कभी कभी प्रॉब्लम होता है आपको ऊपर की पोर्शन, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से नीचे के अगर पोर्शन फिट भी हो तो ऊपर का पोर्शन हमें प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए आपको कैसे उसे फोल्ड करना है, किस तरह से उसे कंफर्टेबल लाना है और किस तरह से उसका लुक भी ना बिगड़े, वो बताने जा रही हूँ मैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे स्टिच करना शुरू कर दे रही हूँ। मैंने ऊपर की पोर्शन को एक फोल्ड किया है बस, और उस फोल्ड में ही मैं रनिंग स्टिच डालती जा रही हूँ। मैंने इस सलवार में अभी नाड़ा नहीं डाला है। हम जिस जगह पे नाड़ा डालते हैं उस पोर्शन को ही मैंने एक फोल्ड किया है, वो भी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ हम इसलिए करेंगे क्योंकि इससे बाहर का लुक खराब ना हो। और ये देखिए, हमें रनिंग स्टिच कम्प्लीटली नहीं करते जानी है, हमें बीच बीच में हम ऐसे नॉट लगाते जाएंगे, जिससे इन केस आपका ये सिलाई अगर निकल भी जाता है तो पूरी की पूरी सिलाई ना निकले, वो ब्रेक होके छोटे छोटे पार्ट में निकलेगी, तो आप उसे छोटे पार्ट को स्टिच बीच में कर सकते हैं। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, इसीलिए मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ, विदाउट सिलाई मशीन ही आप कैसे फिटिंग करेंगे सलवार को। तो
तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिचेस शुरू किए हैं, और स्टिच को आसान बनाने के लिए मैंने नीचे एक कॉपी ली है, आप कुछ भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर रख के हमें धागा तो मैंने बहुत ही बड़ा लगाया है, पर हम छोटी छोटी जगह को स्टिच करेंगे, उसके बाद थ्रेड को निकालते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं वो लॉकिंग स्टिच डाल रही हूँ। कुछ नहीं, आपको धागे को एक तरफ रखना है और इस तरह से एक नॉट बनाना है। ऐसा इसलिए मैं बीच बीच में कर रही हूँ क्योंकि इससे, मैं आपको बता दूं, अगर आपका थ्रेड बीच में निकल जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको एक छोटे से पोर्शन की ही सिलाई करनी पड़ेगी, ये नहीं कि कंप्लीट पोर्शन। अब ये देखिए मेरे पास ये नाड़ा पहले किसी और पजामे का पड़ा है जो बिल्कुल अभी भी ठीक है, तो मैं उसे अब डालने वाली हूँ सलवार के अंदर, और इसके लिए मैं सेफ्टी पिन का यूज कर रही हूँ। ये शायद मेरी पुरानी भी ट्रिक है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ, मे बी ये किसी के काम आ जाए, क्योंकि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाना चाह रही हूँ। सलवार की फिटिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई, इसके लिए जो मैंने पहली वीडियो बनाई है उसकी लिंक भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी। और ये देखिए, हम वो नीचे से फिटिंग हमने किया था और यहाँ पे हमने ऊपर से फिटिंग किया है, तो ये फिटिंग तभी कंप्लीट होगा जब हम इसमें नाड़ा भी डाल दें। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं ज़रूर एक बार आपको बना के दिखाऊंगी, ईजी ट्रिक विदाउट सिलाई मशीन आप कैसे इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए, ये ट्रिक हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, फिर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए इस ट्रिक को भी आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए मैंने ऑलमोस्ट नाड़ा डाल दिया है, और इस तरह से हम अब दूसरी छोर पे पहुंचने वाले हैं। ये देखिए अब हम पहुंच गए दूसरी छोर पे, और इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन निकाल लिया है, और इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से, और दोनों साइड के थ्रेड हमारी बराबर तरह से हो जाए, इसके लिए हमें उस तरह का अरेंजमेंट करना होगा कि दोनों सिरा बराबर रहे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कुछ ट्राई किया है, लेकिन फिर भी एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा है, इसीलिए मैं इसे बराबरी में करूँगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये जितने भी इधर प्लीट्स बने हैं उसे हम ठीक कर लेंगे, और उसके बाद ये दोनों सिरा ऑब्वियसली एक साथ बराबर हो जाएगा। लेकिन इसे आप बिल्कुल भी हमेशा एक हल्का सा नॉट बांध के रखें, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी और कभी भी सलवार का नाड़ा अंदर नहीं जाएगा। आप हल्का नॉट भी बांध के रख सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ी टाइट भी रख सकते हैं, आप इसे बंधा भी रख सकते हैं और उस हिसाब से बांधें नाड़े को। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सलवार फिटिंग। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना कभी भी ना भूलें। थैंक यू।